This is Raven Beats. बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे, बढ़िया ही रहेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, आज हम आए हैं क्लासिक 350 रिबॉर्न, जो 2022 का एडिशन है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सारी चला रखी है, जो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन बुलेट थी, सेकंड जनरेशन बुलेट और इलेक्ट्रा हो गई, सबके BS4 BS6 की वेरियंट और स्टैंडर्ड भी हो गया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे BS6 के इस वाले पोर्शन में, वो इस वाले सेगमेंट में मज़ा आ रहा है ना, मतलब अगर आप फील कर पाए तो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या पिकअप आ गया भाई। मतलब अगर कोई ढंग का बंदा होगा ना, मैंने इसे व्हीली पॉप कर रखी है, अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं सिर्फ इसे शूट के पर्पज़ से लाया हूँ, तो आपको पिकअप फील कीजिए एक बार बस। मतलब शायद ही कोई क्लासिक ऐसे भागती होगी भाई इस वाली में। रिबॉर्न में इन्होंने पता नहीं ऐसा क्या किया है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसे वेट घटा दिया, पावर घटा दी, पर खैर मुझे तो ऐसा अभी तक लगा नहीं, क्योंकि मैंने इसमें अभी गूगल पे चेक किया तो मुझे कुछ वेट तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर पावर तो उससे घटी हुई दिखी। उसमें 21 आती थी, इसमें 20 ही है। बट जो इसमें शूटिंग है वो पुरानी क्लासिक से बहुत डिफरेंट है, और जो रिफाइनमेंट है भाई पुरानी क्लासिक में, आपको पता होगा एक चीज़ के लिए बहुत फेमस होती थी कि मतलब भाई साहब वो हाथ झंझनाई जाते थे उसमें, बहुत झन हो जाती थी। तो चलिए सीधा स्पॉट पे पहुंचते हैं और आपको पूरी गाड़ी के दिखाते हैं, क्योंकि मॉड करा रखे हैं भाई ने, क्या क्या करा रखा, कितने की ली थी, और बाकी आप सीधा वहीं पे बात करते हैं। ओके भाई, तो आ गए हम अपने स्पॉट पे। तो जैसा आप देख सकते हैं, गाड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। सबसे पहले गाड़ी में मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो भाई ने, जैसे सब लोग अपनी बुलेट में कराते हैं, एक ये ग्रिल लगवा रखी है, हेडलाइट ग्रिल, इंडिकेटर्स ग्रिल, और इनमें डिपर भी है, चारों एक साथ जल जाते हैं। प्लस भाई ने ये वो लगा रखे है, बार एंड मिरर ओवल शेप नहीं है, राउंड शेप में आते हैं, तो इनका भी कुछ वही है, बिल्कुल मेरे बार एंड मिरर्स की तरह हैं, कोई ज़्यादा खास व्यू प्रोवाइड नहीं करते, बस लुक के लिए होते हैं ये। और भाई ने स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगा रखा है, वैसे इस एग्जॉस्ट का नाम है इंदौरी, वैसे मुझे नहीं पता था, मैंने अभी भाई से ही पूछा है जिसकी गाड़ी है ये। और पीछे भी वही सेम है, बैकलाइट ग्रिल और इंडिकेटर्स ग्रिल। तो जैसा मैं कह रहा था अभी कि दोनों बुलेट पे, पुरानी वाली और नई वाली में पावर का कोई डिफरेंस नहीं है, मैं गलत था वहाँ पे। इसमें 1 PS की पावर ज़्यादा है, उसमें 19.1 थी, इसमें 20.2 है। उसमें हाँ टॉर्क ज़्यादा था एक का, इससे इसमें 27 का, उसमें 28 का था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें इतना मज़ा नहीं आता था हर गियर के थ्रस्ट में, मगर इसमें आज जब चलाएंगे ना इसको पहली बार, आपको जो मज़ा आएगा वो मैं बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा पावरफुल लगी मुझे पहली बार। लिटरली कोई बुलेट चला के मज़ा आ रहा है, मतलब चला के तो हर बार पता चलता रहा कि 350 cc इंजन हमारे नीचे है, मगर जो एक कहते हैं ना पिकअप या चलाने में एकदम स्पीड पकड़ रही है गाड़ी, भाई साहब ये पकड़ रही है, मतलब चलाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी गाड़ी ली थी भाई ने 2022 में ही, कितने की पड़ी थी भाई 2022 में अभी ली थी? इस कलर का कैंटीन प्राइस है आर्मी कैंटीन का 2,30,000 तक की। ये गाड़ी भी 6-7 महीने पुरानी होगी, तो अभी तक तो ये 2.5 लाख की पहुंच गई होगी आराम से। 270 है भाई ने बताया, और वो भी कैंटीन प्राइस है, पता नहीं उसमें रेगुलर रेट में क्या ही चल रहा होगा भाई। बुलेट ने तो आसमान ही छू दिए हैं प्राइस के नाम पर, मेरी MT इतनी नहीं जा रही है, वो भी अभी तक सिर्फ 2.5 लाख तक पहुँची है। तो ये शायद से पहली है, दूसरी वो बुलेट का मॉडल है जिसमें डुअल चैनल ABS आता था, क्योंकि जहाँ तक है बुलेट में डुअल चैनल ABS नहीं आ सकता था। और बाकी आप देख सकते हैं इन्होंने मीटर पूरा अपग्रेड कर दिया है, डिजिटल तो नहीं है बट ये एनालॉग डिजिटल है, पर पुराने वाले से अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने दे दिया है, आप देख सकते हैं कि ट्रिप मीटर दे दिया है इन लोगों ने, और ओडोमीटर इन्होंने यहाँ पर कर दिया है, जो चीज़ अच्छी लगती है रात में बहुत अच्छी लगती है। प्लस इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात तो मैंने आपको बता दी कि बहुत अच्छी चल रही है, प्लस ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी इसकी बहुत अच्छी लग रही है मुझे,
मैं अभी से चला रहा था आराम से, मैंने 100 की स्पीड पर ब्रेक मारा अगर आपने अभी वीडियो में देखा होगा पीछे, और आराम से रुक गई। और डुअल चैनल एबीएस है तो ज़्यादा स्किड तो नहीं कर रही, पर ये उस टाइम तो कर गई थी। तो डुअल चैनल एबीएस है मगर भाई ने एबीएस ऑफ कर रखा है क्योंकि अभी आपने देखा था स्किड मार रही थी, तो वो चलिए अपनी अपनी चॉइस होती है। ऐसे मैंने भी अपनी एमटी में आज तक एबीएस ऑन दोबारा करा ही नहीं है क्योंकि मुझे कोई नीड नहीं है उसकी एबीएस की। जब तक मैं बहुत ज़्यादा रफ नहीं चला रहा मैं तब भी एबीएस ऑन नहीं करता, क्योंकि एक बार मेरे साथ एबीएस के चक्कर में एक्सीडेंट होते होते बचा है मेरा। क्योंकि एबीएस सिर्फ बेसिकली मैं आपको बताऊँ, एबीएस उन लोगों के लिए जो एकदम ऐसे हपक के मार देते ना ब्रेक, उनके लिए तो एबीएस ठीक है। जैसे हम लोग पुराने राइडर्स हैं 8-10 साल से गाड़ी चला रहे हैं, उनके लिए नहीं है क्योंकि वो लोग सिस्टमेटिकली मारते हैं और एकदम हल्के हल्के मारते हैं, मतलब अपने हिसाब से मारते हैं, एकदम हपक के नहीं मार देते अंधों की तरह। तो एक बार एबीएस के चक्कर में मेरे साथ कांड हो चुका है, उसकी क्लिप मेरे पास होगी तो होगी दोस्त के पास, मैं एक बार डिवाइडर में घुसते घुसते बचाऊँ। तो अगर आपको ये गाड़ी पसंद है तो बताइए कमेंट करके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप सिनेमैटिक्स बताइए आपको कैसे लगे। टिल देन टाटा।